हेलो वेलकम बैक टू हैम इंस्टीट्यूट। और आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक और न्यू रेजिडेंशियल फ्लोर प्लान। ये है उसका प्लॉट, और प्लॉट के साइज़ की बात करते हैं तो 33 फीट है फ्रंट, और जो डेप्थ है वो है 56 फीट 6 इंच। ठीक है, तो 33x56 का है ये प्लॉट। अब बात करेंगे इनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। इनको सबसे पहले चाहिएंगे 2 बेडरूम। ठीक है, और 2 बेडरूम में एक के साथ रहेगा स्टोर अटैच, एक रहेगा ड्राइंग रूम, एक किचन ऑब्वियसली, एक रहेंगे 2 अटैच टॉयलेट, एक कॉमन टॉयलेट, एक पूजा स्पेस और एक स्टेयरकेस जो कि अंदर से रहेगी। और हम इसमें जो कॉमन टॉयलेट है इसमें से कॉमन टॉयलेट को अटैच और कॉमन दोनों रखेंगे, एक कोई में 2 दरवाजे खोलेंगे। ठीक है, तो ये है उसका डिज़ाइन हुआ प्लॉट का डिज़ाइन। राइट साइड से दिया है एंट्रेंस, ये रहेगा हमारा पोर्च और साइड में है लॉन। तो अब देखते हैं इनके साइजेस। जो लॉन रहेगा हमारा ये लेफ्ट में, ये पूरा 22 फीट का तो लंबाई में रहेगा और 8.5 फीट इसकी रहेगी डेप्थ। और हमारा जो पोर्च है वो रहेगा ये पूरा रेक्टेंगुलर 10x21 का, 10 फीट इसकी लंबाई और 21 फीट उसकी ये पूरी डेप्थ। ठीक है, अब बात करें एंट्रेंस की। एक एंट्रेंस है यहाँ लॉन से सीधा ड्राइंग रूम में, 10.5x12 फीट का हमारा ये ड्राइंग रूम है। और दूसरा एंट्रेंस जो रहेगा वो रहेगा पोर्च से आगे से ये मेन डोर के साथ। ठीक है, और यहाँ से हमने लैंडस्केपिंग के लिए और एक पार्ट रखा है, यहाँ पे हम अच्छी खासी लैंडस्केपिंग करते हैं मेन एंट्रेंस के पास, ये बहुत अच्छी लगेगी। तो अब चलते हैं लॉबी में, और लॉबी का जो साइज़ है वो 16x15 का है। लॉबी का साइज़ 16 फीट लंबाई में रहेगा और 15 फीट इसकी डेप्थ रहेगी। एंड देन लॉबी से ही ये हमारा अंदर से, क्योंकि हमें एक स्टेयर केस देना था तो अंदर से जा रहा है स्टेयर केस। और ये वाला जो कटआउट है ये डबल हाइटेड रहेगा। ठीक है, ये ओपन रहेगा, यहाँ पे स्लैब नहीं आएगा। ठीक है, तो लॉबी से ही एक कनेक्ट है हमारे यहाँ से किचन, और किचन का जो साइज़ है वो है 7x8x12 फीट। ठीक है, और किचन का जो वेंटिलेशन की बात करें तो इसका वेंटिलेशन बाहर से हो जाएगा, ये विंडो आ जाएगी। और ड्राइंग रूम का वेंटिलेशन की बात करें तो ये विंडो आ जाएगी, यहाँ से इसका वेंटिलेशन हो जाएगा। ठीक है, और लॉबी की बात करते हैं तो लॉबी की विंडो ये लग जाएगी और इसका वेंटिलेशन यहाँ से हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। लॉबी से ये 4x4x5x8 इंच की पूजा स्पेस दिया हुआ है। देन अब हमारे बचते हैं बेडरूम्स एंड टॉयलेट। ये है बेडरूम नंबर 1, और इसका डोर जो है वो यहाँ से खुलेगा। और इस बेडरूम का साइज़ है 11x12, और इसमें एक अटैच है ये 2 फीट की कवर्ड। एंड देन ऊपर देखते हैं तो ये टॉयलेट 7x6 की हमारी टॉयलेट आ जाएगी। इसका वेंटिलेशन बाहर से हो जाएगा यहाँ से, और इसका जो बैक साइड है ये रहेगी ओपन, 8x8 का इसका साइज़ ओपन कराएगा, और 5x10 इंच रहेगी इसकी डेप्थ। अब बात करेंगे इसकी टॉयलेट की, तो ये हमारी कॉमन टॉयलेट 5x8 की कॉमन टॉयलेट रहेगी ये, और इसमें एक और डोर खुलेगा जो सेकंड वाले बेडरूम में खुलेगा। एंड दिस इज़ द बेडरूम 2। इस बेडरूम 2 का जो साइज़ है वो 12x12 का बेडरूम साइज़ है। इसका वेंटिलेशन क्रॉस वेंटिलेशन रहेगा, एक इस साइड से ही विंडो आ जाएगी ओपन और एक यहाँ से आ जाएगी, क्योंकि हमारा साइड में लेफ्ट साइड में 3 फीट का ओपन है स्पेस। और इस बेडरूम से ही स्पेस ये कनेक्ट है जो हम ड्रेसिंग में या स्टोर में यूज़ लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया है कंप्लीट डिज़ाइन। फ्रंट में भी लॉन आ जाएगा 8 फीट का। चला, तो आप इस प्लॉट से आइडिया ले सकते हैं, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट सेम है तो आप यही रख सकते हैं, नहीं तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, प्लॉट साइज़ डिफरेंट है, तो आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फ्लोर प्लान वगैरह बनवा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग हैम इंस्टीट्यूट। टेक केयर, बाय।